हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पे स्वागत है। और आप लोगों के साथ आज मैं एक होम रेमेडी एलोवेरा की शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आप लोगों के साथ और बातें भी करते जाते हैं आप लोगों से। तो इस होम रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने लेना है हल्दी, और ये लेना है हमको एलोवेरा जो। तो ये मैंने इतना लिया है और इसको हमने बीच से कट करना है। तो इस तरह से इसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करेंगे। जिससे बांधने में तकलीफ ना हो। तो सबसे पहले तो अगर किसी को ऐसी चोट लगती है तो आप लोग डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर की सलाह लीजिए। अगर वो मामूली चोट बताता है कि ये चोट मामूली है तो आप घर में ये होम रेमेडी ट्राई कर सकते हैं। तो इसके ऊपर आप कोई भी ऐसा तवा आयरन का रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आयरन आप लोगों को पता है कितना अच्छा होता है। और इसको हमने गरम होने देना है और इस तरह से ये कट लगाना है। और इसको रखेंगे ऐसे तवे के ऊपर, तो इसी तरह से मैं दूसरा वाला भी काट के और रख लेती हूँ। तो सबसे पहले आपको डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। अगर डॉक्टर बताता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटी मोटी मोच आई है, तो आप इस तरह का प्रयोग कर सकते हैं। और ये यकीन मानिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। तो एक बार अगर आपके घर वालों में किसी को चोट लग जाती है, बच्चों को, बूढ़ों को, तो आप इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। और अब इसको हमने सीधा कर लेना है और इस पे डालना है हल्दी। तो इस तरह से हल्दी को स्प्रिंकल करेंगे सारे एलोवेरा पर। और हल्दी चोट के लिए बहुत अच्छी होती है। बस इसको फिर से पलट देंगे। गरम होने देंगे। बस ये हो चुकी है, थोड़ी 5 मिनट में ही ये तैयार हो जाता है। अब गैस को कर देंगे ऑफ और इसको ठंडा होने देंगे थोड़ा सा। और ठंडे होने के बाद इसको चोट पर बांधेंगे। तो जब तक ये ठंडा होता है, और फिर मिलते हैं थोड़ी देर से। तो ये देखिए, इनके पैर पे इतनी सूजन आई हुई है। और ये गुनगुना सा ही बांधना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं, एकदम ठंडा नहीं करना है, जितना आप सहन कर सकते हैं। गर्म है, ठीक है। तो बस इस तरह से चोट वाले हिस्से पर इसको बांधना है।
पीछे से आप लगाओ। पकड़ना ऐसे, ऐसे यहाँ भी उंगली लगाओ और इसको रुमाल से बांध देंगे। बस इस तरह से इसको गरम गरम बांधना है और इससे काफ़ी हद तक आराम मिलता है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए इस रेमेडी को और कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।